बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अफगान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अफगान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये जुल्म ज्यादति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म जाति बंद करो, बंद करो, बंद करो। खबर उत्तर प्रदेश संभल से। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन पर उनके अंतिम सफर में शामिल होने पहुंचे। यहां से वे रामपुर जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। रामपुर में पुलिस की गोली से हुई युवक की मौत के बाद चंद्रशेखर ने परिवार से मिलने के लिए कार्यक्रम तय किया था। कई घंटों तक चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद रखा गया। पुलिस को जैसी भनक लगी कि चंद्रशेखर आजाद संबल से सीधे रामपुर को जा रहे हैं, जहां दलित परिवार का उत्पीड़न हुआ है, उस परिवार से मुलाकात करेंगे। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनके साथ सपा नेता फिरोज खान, आजाद समाज पार्टी के संयोजक सुधीर कुमार आदि नेता गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं संग डटे रहे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से चंद्रशेखर की रोके जाने को लेकर नोकझोंक भी हुई। चंद्रशेखर ने बाहर आकर पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जितनी फोर्स यहाँ मुझे रोकने के लिए लगाई गई है और बैरिकेडिंग की गई है, इतनी दलित परिवार के लिए की गई होती तो आज दलित परिवार का उत्पीड़न न होता। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के बाहर नारेबाजी भी की। जब आप मारने लगे, जुल्म करने लगे तो हमें भी मारो बोली। भाई चंद्रशेखर आजाद चाहने वाले हैं उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए उनके परिवार के लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की जो 17 साल का था उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस कि तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूँ। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं। मैं मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आजाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस माँ को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित विद्रोही होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूँ, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं, कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊँगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो, मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी ज़रूरत है और मैं किसी भी कीमत पर उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पोंछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूँगा क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है, किसी को भी मारो। चंद गज जमीन के लिए हम पे देश में था क्या? आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने
महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकारी गोली चलाएगी तो न्याय कौन करेगा? रक्षक भक्षक बन गए और ये सब सरकार के सहारे पर है। जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पोंछूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले, इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पे। चंद्रशेखर जी, क्या परिवार से बात हुई? उससे किसी परिवार से बात हुई है? परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहां इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव-गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना के रखा हुआ? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मेरी मुझे रोकने के लिए लगाएगा, इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते, शायद कई लोग जिंदा बच जाते, लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है। तो फिर आपको जो सर किस बात का सर हवाला दिया गया है सर अभी संबंध? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही, मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा, उनकी आवाज़ उठाने काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूं, अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आज मुझे मेरी जरूरत है। आज वो माएँ रो रही हैं उस भाई को, जिस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।